हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से कमला नगर, और आज मैं आपको कमला नगर का लेटेस्ट कलेक्शन दिखाऊंगी, कमला नगर का एथनिक कलेक्शन दिखाऊंगी और साथ ही साथ वूलन कलेक्शन भी दिखाऊंगी। तो चलिए आप वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और मॉल के जस्ट सामने ही आप आएंगे तो यहाँ पे काफी अच्छा कलेक्शन था ब्लेजर्स, ओवरकोट एंड शॉर्ट वाले ब्लेजर्स का, और यहाँ पे 100 रुपीज की सेल लगी हुई थी। 100 रुपीज की सेल में इसमें काफी अच्छा कलेक्शन था, काफी सारे कलर्स थे यहाँ पे और साइजेस भी इनके पास अवेलेबल थे। मॉल के सामने जो लैन है उसमें आपको काफी सारी इस तरह की शॉप दिख जाएगी जहां आपको चीप प्राइस में सामान मिल जाएगा। और ये जस्ट बराबर में ही एक शॉप थी, यहाँ पे काफी अच्छा नाइट सूट का कलेक्शन था। ये जो समर वियर वाले नाइट सूट है इसका प्राइस भैया ने 400 बताया था। 400 में आपको अपर और लोअर दोनों मिलेगा। और इनके पास वूलन में भी कलेक्शन था, वूलन में भी पूरा सेट जो था इसका प्राइस 500 था। 500 में मुझे काफी अच्छा लगा, काफी ज्यादा वार्म था और काफी ज्यादा सॉफ्ट भी था ये। और इसी लाइन में जब हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी सेल लगी हुई थी। 250 की सेल थी लोवर्स की और नाइट सूट्स की भी सेल थी। नाइट सूट ये जो कॉटन के नाइट सूट हैं, कॉटन और साटन दोनों थे इसमें, और ये 500 की सेल थी। इसमें भी काफी अच्छे अच्छे प्रिंट के आपको नाइट सूट मिल जाएंगे। और यहाँ 250 की जो लोअर की सेल थी इसमें भी लोअर्स का काफी अच्छा कलेक्शन था, काफी सारे प्रिंटेड लोअर थे इसमें। और इसमें आपको वुलन के लोअर भी मिल जाएंगे और समर वेयर लोअर भी मिल जाएंगे, और फैब्रिक इसका काफी अच्छा था। और यहीं पर ही 500 की सेल में वुलन के नाइट सूट्स का भी कलेक्शन था, और यहाँ पे भी काफी अच्छे अच्छे नाइट सूट्स मिल रहे थे। मॉल के जस्ट सामने ही ये एक स्टॉल था और इनके पास काफी अच्छे कुर्ती का कलेक्शन था। इनके पास वूलन की कुर्तीज भी थी और समर की कुर्तीज भी थी। और ये जो वूलन की कुर्तीज भैया दिखा रहे हैं इन सभी का प्राइस 500 रुपीज था, और 500 रुपीज में इनके पास प्रिंटेड वूलन वाली कुर्ती भी थी और नॉर्मल प्लेन कुर्ती भी थी। काफी अच्छा इनके पास कलेक्शन था। और ये भैया जो कुर्ती दिखा रहे हैं ये कॉटन में है, कॉटन में इसके साथ आपको प्लाजो भी मिल जाएगा। ये कुर्ती और प्लाजो दोनों का सेट मिल रहा था 400 में, और इनके पास इसी तरह से कुर्ती और प्लाजो के सेट मिल रहे थे और उनका प्राइस 400 रुपीज था। ये जो कुर्ती का स्टॉल है ये मॉल के जस्ट सामने ही था, और इसी के जस्ट बराबर में एक लाइन जा रही है अंदर को। इस लाइन में आपको पूरा एथनिक वियर मिलेगा, और यहाँ पे आपको पार्टी वियर सूट का भी काफी अच्छा कलेक्शन मिलेगा। और इसी लाइन के अंदर हम एंटर करेंगे तो आपको दिख रहे होंगे ऊपर यहाँ पे वूलन की भी कुर्तीज थी और समर का भी कलेक्शन था। ये जो वूलन की कुर्तीज है इनका प्राइस 1000 रुपीज था, और इसी के आगे आपको पार्टी वियर कुर्तीज का और शरारा का कलेक्शन दिखेगा। ये पूरा सेट जो है इसका प्राइस 1200 से स्टार्टिंग थी, 1200, 1500, 1800 ऐसे इनका प्राइस था, और इनके पास काफी अच्छा कलेक्शन था। और ये जो आप कुर्तीज देख रहे हैं इसका प्राइस भैया ने 1200 बताया था। इनके पास कुर्तीज का प्राइस 1000 से स्टार्टिंग थी, और 1000 की रेंज में इनके पास काफी अच्छा कलेक्शन था, काफी अच्छी कुर्ती थी। इसी लाइन में जब आप आगे जाएंगे तो आपको थोड़ा लो प्राइस में भी कुर्तीज मिल जाएंगी, और इस शॉप पे प्लाजो और दुपट्टे का काफी अच्छा कलेक्शन था। गए तो यहाँ पे भी कुर्ती और प्लाजो का सेट मिल रहा था, और यहाँ पे भी काफी अच्छा कलेक्शन था। और यहाँ पे जो ये सेट है ये 350 और 400 का मिल रहा था, और इनके पास काफी अच्छा कलेक्शन था। इनके पास जयपुरी में भी कुर्ती आपको मिल जाएगी, और जो आप ऊपर कुर्ती देख रहे हैं उसका प्राइस 500 था, उसमें आपको प्लाजो भी आप ले सकते हैं। और अगर आप प्लाजो की जगह शरारा लेना चाहते हैं तो शरारा भी इनके पास मिल जाएगा, वो भी आपको सेट पूरा
500 में मिलेगा। और ये एक भैया जयपुरी कुर्ती दिखा रहे थे, ये दुपट्टा है और ये नीचे का होता है और ये अपर है, कुर्ती है। ये पूरा सेट आपको 400 में मिल जाएगा और इनके पास काफी अच्छा कलेक्शन था। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आपको करानी पड़ेगी यहाँ पे भी। और यहाँ पे स्टॉल्स का काफी अच्छा कलेक्शन था, काफी ज्यादा वार्म थे ये स्टॉल और इन सभी का प्राइस 350 था। 350 की सेल में आपको ये मिल जाएंगे। और इनके पास कुर्ती और शरारा का सेट मिल रहा था, पार्टी वेयर सेट था पूरा, और ये 1200 और 1300 के प्राइस में था। काफी अच्छे अच्छे सेट थे, ये पूरे पार्टी वेयर थे। और इनके पास कुर्तीज भी मिल रही थी, सिंपल कुर्तीज जो थी वो 500 की थी और इसमें आपको कलर और डिजाइन मिल जाएंगे। और इसमें साइजेस भी ये बोल रहे थे कि आपको सभी साइज में यहाँ पे कुर्ती मिल जाएगी, इनके पास इसी तरह की कुर्ती आपको मिलेगी। और इस शॉप पे भी काफी अच्छा कलेक्शन था कुर्तीज का। यहाँ कॉटन की कुर्ती इसके स्टार्टिंग 350 से थी और जो वुलन वाली कुर्ती थी उसकी स्टार्टिंग 700 से थी। और यहाँ पे पोचू भी मिल रहे थे और पोचू का प्राइस भैया ने 600 बताया था। यहाँ पे भी कुर्ती का मुझे काफी अच्छा कलेक्शन लगा। इस पूरी ही लाइन में एथनिक कलेक्शन मिलता है। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत वेस्टर्न कलेक्शन दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ का एथनिक कलेक्शन कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और इंसेंस वाली लाइन में यहाँ पे काफी अच्छा कलेक्शन होता है ड्रेसेस का, टॉप का। ये जो आप सामने ड्रेस देख रहे हैं इसका प्राइस भैया ने मुझे 500 बताया था और इनके पास सीक्वेंस वाले टॉप का काफी अच्छा कलेक्शन था। ये जो टॉप आप देख रहे हैं इसका प्राइस भैया 600 बता रहे थे और इनके पास शॉर्ट में भी सीक्वेंस वाले टॉप थे, इसका प्राइस भैया ने 350 बताया था। और इसी के जस्ट बराबर में यहाँ 100 रुपीज की सेल लगी हुई थी और 100 रुपीज की सेल में यहाँ पे काफी अच्छा कलेक्शन था टी शर्ट्स, ड्रेसेस एंड टॉप्स का। और इनके पास शॉर्ट्स का भी काफी अच्छा कलेक्शन था और इनके पास हर कलर में आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, डेनिम में भी थे और कलरफुल शॉर्ट्स भी थे और शॉर्ट्स का प्राइस 200 रुपीज था। और इसी के जस्ट बराबर में यहाँ जीन्स का भी काफी अच्छा कलेक्शन था। यहाँ आपको बेल बॉटम जीन्स भी मिल जाएगी और नॉर्मल जीन्स भी मिल जाएगी और दोनों में ही काफी अच्छा कलेक्शन था। रफ वाली जीन्स भी थी यहाँ पे और प्लेन जीन्स भी आपको मिल जाएगी और इन सभी का प्राइस 300 रुपीज था। यहाँ आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन मिल जाएंगे जीन्स में और बहुत सारे कलर इनके पास अवेलेबल थे और सभी में आपको साइजेस भी अवेलेबल हो जाएंगे। शॉप नंबर E120 में काफी अच्छा कलेक्शन था। यहाँ थोड़ा कॉस्टली कलेक्शन तो था बट यहाँ पे कलेक्शन काफी अच्छा था और काफी अच्छा स्टॉक था इनके पास। ये जो सामने आप जैकेट्स देख रहे हैं इनका प्राइस भैया ने 1800 बताया था और यहाँ आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग करा सकते हैं। और वूलन के टॉप की स्टार्टिंग यहाँ 600 से थी, 600 में यहाँ वूलन के टॉप में काफी अच्छा कलेक्शन मुझे लगा। और इस शॉप पे आपको समर का भी काफी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। ये जो सामने रेड वाला टॉप है ये मुझे काफी अच्छा लगा, इसका प्राइस भैया ने 600 बताया था। ये जो आप फरी वाली जैकेट देख रहे हैं इसका प्राइस भी भैया ने 1800 बताया था और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी। इनके पास ड्रेसेस का भी काफी अच्छा कलेक्शन था। ये जो आप नीचे ड्रेसेस देख रहे हैं इनका प्राइस भैया ने 850 बताया था और जो ऊपर टॉप देख रहे हैं उनकी स्टार्टिंग 650 से थी। थोड़ी बहुत बार्गेनिंग ये कर लेंगे, बस आपका बार्गेनिंग स्किल काफी अच्छा होना चाहिए। और ये जो ड्रेसेस है इनका मैं कलेक्शन अभी आपको शो करूंगी।
इनके पास मुझे काफी डिफरेंट कलेक्शन लगा और काफी अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे। यहाँ पे शर्ट्स में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन मिल जाएंगे, और जो शर्ट्स था उनकी स्टार्टिंग यहाँ 550 से थी। 550 में इनके पास शर्ट्स का काफी अच्छा कलेक्शन था। मुझे इनके पास शर्ट्स का काफी अच्छा कलेक्शन लगा। जो प्लेन में शर्ट थी उनकी स्टार्टिंग 550 से थी, और जो ये इस तरह से स्टोन वर्क जिसपे हुआ हुआ था उनकी स्टार्टिंग 650 से थी। और ये जो 550 वाली शर्ट है इनमें इनके पास काफी अच्छा कलेक्शन था। इनके पास एक लेपर्ड प्रिंट की भी थी और एक साइड प्लेन थी। इसका प्राइस भी भैया ने 550 ही बताया था। और इनके पास शर्ट्स में काफी अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे। और इन्हीं के पास टॉप्स का भी काफी अच्छा कलेक्शन था। टॉप की स्टार्टिंग यहाँ 550 से थी। और ये जो आप साइड में पॉम्पम वाली ड्रेस देख रहे हैं, इसका प्राइस भी यानी मुझे 1250 बताया था। ये वाली ड्रेस आजकल आपको हर मार्केट में देखने के लिए मिलेगी, और ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है आजकल। आगे हम चले तो यहाँ छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था, और यहाँ बैग्स का काफी अच्छा कलेक्शन था। यहाँ ये जो स्लिंग बैग मिल रहे हैं, इनका प्राइस भैया ने 300 बताया था। और इनके पास बैकपैक्स का भी कलेक्शन था, बैकपैक्स का प्राइस भैया ने 250 बताया था। और यहाँ हैंड पर्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी एक छोटा सा स्टॉल था, यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। ये जो आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, लिपस्टिक वगैरह, इन सभी का प्राइस 50 रुपीज था। और आईशैडो वगैरह का प्राइस थोड़ा ज्यादा था। काजल वगैरह वो भी आपको 50 रुपीज में मिल जाएंगे। और इसी लाइन में जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे पटरी मार्केट लगती है, और सॉक्स लोअर्स वगैरह आपको इस लाइन में देखने के लिए मिलेंगे। शॉप नंबर E173 में बैलीज का काफी अच्छा कलेक्शन था, और यहाँ हील्स वाली बैलीज भी मिल रही थी और फ्लैट बैलीज भी मिल रही थी। ये जो आप हील्स बैलीज देख रहे हैं, इनका सभी का प्राइस 400 रुपीज था आफ्टर बार्गेनिंग, और जो फ्लैट बैलीज थी इनका प्राइस 300 से स्टार्टिंग थी। और यहाँ पे बैलीज का काफी अच्छा कलेक्शन था। इसी के साथ साथ यहाँ शूज का भी काफी अच्छा कलेक्शन था, और यहाँ पे काफी ज्यादा वैरायटी में आपको शूज मिल जाएंगे, और शूज की स्टार्टिंग 400 से थी। और फ्रेंड्स, अब मैं आज की वीडियो का यही एंड कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी सदर बाजार की, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ सदर बाजार। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जो कि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू।